अनेक व्यूवर्स एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का एक और एपिसोड अपने एजाज कुरैशी शो लेकर। अभी आपने कुछ देर पहले एक और शो मुलाहजा फरमाया। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त नातवा हैं और वही रमजान के हवाले से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। बरकत रमजान हमारे इस सिलसिले का नाम है और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें और रहमतें हम पर नाजिल फरमाए इस मुबारक महीने के वास्ते। आज एक और मैसेज कोरोना के हवाले से देना चाहूंगा कि कोरोना इज अपॉन अस, अपने घरों में महफूज रहिए, हुकूमती इकदामात और अहकामात पर अमल कीजिए और खुद भी महफूज रहिए और अपने घर वालों को भी महफूज रखिए। आज के इस नातिया प्रोग्राम में बरकत रमजान में हमने मधु किया है हमारी बहुत प्यारी दोस्त सदफ हुसैन साहबा, जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और इंटरनेशनल नातवा हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने नात शरीफ पढ़ी है, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे इन्होंने नातवानी की है और प्राइवेट महाफिल में भी इन्होंने बहुत सारी जो है वो नाते पढ़ी हैं। वेलकम कहते हैं अपने शो में सदफ हुसैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब खैरियत है। थैंक यू सो मच जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ वक्त के बावजूद हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं भी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्यारी सी महफिल जो सजाई हुई है जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे आपने बिल्कुल मदऊ किया। अल्लाह पाक आपकी इस महफिल को कबूल मंजूर फरमाए, हम सब आमीन नातवाओं का पढ़ना अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जजाक अल्लाह खैर। बस ये तमाम जो नातवा हैं उनका बड़ा करम है और अल्लाह का करम है बेशक कि उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। बेशक बेशक और बस इसी काविश में, इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि तमाम नातवानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए इंशाल्लाह। और बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए एक बेहतर तरीके से, बिल्कुल यही कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो प्रोग्राम का तो हम बाकायदा आगाज करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सदफ हुसैन साहबा कि मैं आपको अगर आपके बचपन में ले जाऊं, छोटी सी आप 4-5 साल की या उससे भी छोटी, क्या आपको अर्लीस्ट मेमोरी क्या याद आती है, आपको क्या याद आता है? बिल्कुल मेमोरी यही याद आती है सबसे पहले, और वही बात कि जो आपके घर से आपको माहौल मिल रहा होता है तो वही आपको जो है डेवलप हो रहा होता है और आगे जाके वो बहुत ज्यादा आपके काम आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही ऐसे माहौल मुझे याद आता है कि मेरी वालिदा और वालिद साहब दोनों ही बहुत ज्यादा शौकीन नात खानी के। उसके अलावा वालिदा भी पढ़ा करती थी, बचपन से माशाल्लाह जो है मैं उनके साथ ही जाती थी महफिलों में। स्कूल माशाल्लाह में बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी मैं जब मैंने नातवानी का आगाज किया स्कूल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से पढ़ना शुरू किया और घर के एक माहौल से ही जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिला माहौल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज ये रुतबा अता फरमाया कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है अल्लाह पाक का। इंसान की कोई बेशक औकात नहीं होती, करम की बात होती है। बिल्कुल करम हुआ अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हाजिरी होती रहती है, इसके अलावा बेशक महाफिल भी होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया। वही है कि ये सारे जो हैं वो नसीब के फैसले होते हैं और ये बड़े कर्म की बेशक बात है कि बेशक करम हो आप गया ये रसूल बिल्कुल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पंडितने पाक का, कि बिल्कुल उन्होंने अपनी मदह सराय के लिए हम जैसे एक आम से मामूली इंसानों को मुंतखब किया। बहुत करम बिल्कुल की बात। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जनाब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये बताइए कि जो आपने बचपन में नात पढ़ी थी आपको अभी तक याद है, वो कौन सी पहली नात आपने पढ़ी थी बचपन में? जी नाते तो बहुत पढ़ी है बचपन में। बिल्कुल एक कलाम है, एक रहमत का इशारा या नबी, तो एक वो रहमत कलाम का इशारा स्कूल है में ना। पढ़ा था। और उसके अच्छा अलावा जो है बहुत से कलाम, उस वक्त या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत से कलाम जो है पढ़ा करते थे बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। चले जनाब प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आप सब हाँ दोस्तों को मालूम है कि हम लोग इस वक्त YouTube पर भी लाइव हैं
और फेसबुक पर लाइव हैं। आप लोगों को अगर कोई फरमाइश है किसी नात की, कोई कलाम आपने सुनना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बिल्कुल और बिल्कुल अगर सदफ हुसैन साहिबा को वो कलाम याद होगा तो जरूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें जनाब, हमदे बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का आगाज होता है हमेशा, और उसी बिल्कुल से हम आगाज करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि काबे की रौनक जो है वो हम जरूर प्रोग्राम में शामिल कीजिए। और बड़ी खूबसूरत ये हमद है, बहुत खूबसूरत बिल्कुल कलाम है, सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी भाई का सबीउद्दीन ये सबीर कलाम रहमान है साहब का बहुत और मेरे दिल के बड़ा करीब है ये कलाम। बहुत खूबसूरत, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त पढ़ा और तमाम प्यारा कलाम, बिल्कुल नातखा, और बहुत लिखा प्यारा बहुत कलाम उन्होंने खूबसूरत, लिखा है माशाल्लाह। कि बिल्कुल, जब जब भी सुना जाता है कलाम, जब जब हर भी दफा पढ़ा एक जाता नया है मजा आता है। दिल में उतरता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे, बिल्कुल और ऐसे, फरमाइश भी यकीनन इस कलाम की बहुत ज्यादा होती है, और बिल्कुल हमारी भी कोशिश होती है कि कलाम पढ़ के जो वहां से लोग आ चुके हैं उन्हें दोबारा काबे की रौनकों में ले जाए, और इंशाल्लाह ये रौनकें बहाल हों, हम सब काबे शरीफ की हाजिरी को जाए। बिल्कुल। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा सदफ के थोड़ा सा कैमरे को अपने थोड़ा सा करीब कर लीजिए, आपका हेड स्पेस बहुत ज्यादा है ताकि ये कम हो जाए। अच्छा कैमरा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा कैमरा सा करीब, करीब कैमरा करीब कर लीजिए अपने, ताकि आपका जी ये फ्रेम आपका जी बिल्कुल अब ठीक है, बेहतर है अब ठीक है जी, बिल्कुल अब ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा करीब हो गया, बस थोड़ा सा दूर रखिए, बस बस ठीक बस है। ये, हाँ बिल्कुल ये ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। चलें आगाज करती हूँ मैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले जितने लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पे अल्लाह पाक अपनी रहमतें बरकतें अता फरमाए। काबे आमीन, की रौनक कलाम से आगाज करते हैं, और मैं बिस्मिल्लाह। यही गुजारिश करूंगी कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं मिलके पढ़िएगा मेरे साथ, अल्लाह पाक हम सबको अपने दरबार की हाजिरी इसी साल नसीब। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह। काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी मंजूर होंगी, मकबूल होंगी मंजूर होंगी, मीज़ाब-ए-रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाब-ए-रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है, कितने मोअदब हैं ये कबूतर, कितने मोअदब हैं ये कबूतर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर,
अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जजाकल्ला खैर, बहुत जबरदस्त आपने प्रोग्राम का आगाज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर आमीन दे। बहुत सारे आमीन। कमेंट्स आ गए जना प्रोग्राम में। सदफ भट्टी जो हैं हमारी बहुत जबरदस्त दोस्त हैं कराची से, और सदफ फोरम इन्होंने अभी अपना आगाज किया है, और कह रही हैं सलाम, वालेकुम असलाम जनाब, और वालेकुम सलाम भी कह रही हैं, बहुत शुक्रिया सदफ, आमीन भी कह रही हैं, और सुबहान अल्लाह भी कह रही हैं सदफ, थैंक यू सो जजाक मच अल्लाह जी, सदफ, जजाक अल्लाह, माशाल्लाह, खुश रहिए जनाब, दुआएं कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका सदफ भट्टी बहुत साहिबा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फातमा अजीज हमारे साथ हैं कराची से, कह रही हैं नाइस, थैंक यू सो मच फातमा। सद भट्टी कह रही हैं कि ता उम्र कर दे आना मुकद्दर अल्लाह अकबर। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, आमीन आमीन इन्हीं यही आमीन, दुआएं हम सब की हैं, बिल्कुल और बेशक। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, जजाक अल्लाह खैर। बात और कह रही हैं एजाज कुरैशी, मुबारक हो इतने बेहतरीन प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोग पसंद करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रोग्राम बेहतरीन तब होता है जब हमारे साथ हमारे ऐसे जबरदस्त मेहमानान ग्रामी तशरीफ लाते हैं शो पर, और आप जैसे व्यूअर्स जो आकर के इनको अप्रिशिएट करते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, शामिल होते हैं प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो बेहतर हो पाता है, वरना इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं माली हूँ, और आप लोगों का कमाल है। फैन ऑफ एसक्यू के नाथ ने कहा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। SQK से क्या बनता है जनाब, कमेंट करके बताइए। YouTube से आप हमें वॉच कर रहे हैं तो जरा जरूर बताइए कि SQK से क्या बनता है, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका, और हमद बारी ताला, काबे की रौनक, काबे का मंजर जो है वो सदर हुसैन साहिबा ने प्रोग्राम में शामिल की। पहली नात की दरख्वास्त करने जा रहा हूँ सदर हुसैन साहिबा से, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा एक, यानी ये ऐसा कलाम है कि मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी ने, हर बच्चे बच्चे ने ये कलाम सुना होगा, और बहुत खूबसूरत, जिस दफा भी आप, जितनी दफा भी इस कलाम को सुने, हर दफा जो है वो इसका अपना मजा आता है। तो मैं सो बिल्कुल, जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, बहुत खूबसूरत कलाम है ये, सही फरमाया आपने और मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये कलाम। से दुआ यही है कि हम सबका खात्मा इमाम बेखैर हो, कि जब आमीन वक्त नजा हो तो सरकार सलातो सलाम का चेहरा अनवर सामने हो। कुछ ऐसा ही कलाम बाद साहब का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम। कलाम पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़ूंगी मैं। दरख्वास्त बिल्कुल से जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के मेरे साथ दुरूदे पाक हुजूर की बारगाह में पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि का या हबीब अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते हुए सुरखरू आप हर मार्के में, आप हर मार्के में, फकत रबना कहते कहते, रबना कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते मुसीबत के मारो कठिन मुश्किलों से, कठिन मुश्किलों से
गुजर जाओ या मुस्तफा, कहते कहते मुस्तफा, कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते सितम पे सितम सह गए दुश्मनों के, सह गए दुश्मनों के, हबीबे खुदा या खुदा, कहते कहते या खुदा, कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते फूले आंख सल्ले आला, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह खैर जजाक जनाब, बहुत अल्लाह खैर, जबरदस्त आपने कलाम शामिल प्रोग्राम किया, बहुत मजा आया। जजाक अल्लाह खैर। और ये मैं अक्सर सुनता रहता हूँ और बड़ा जबरदस्त कलाम है और जी पढ़ा हुआ भी बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। चलिए जी जनाब अगले कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और वो कलाम है मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। बिल्कुल, बेशक हम सबको जो भी नेमतें बरकतें अता हुई हों सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ही है। बेशक अल्लाह बेशक, पाक हमेशा हमारी झोलियों में सरकार के टुकड़े सदा रखें। आमीन और सुमन, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं सबके लिए दुआ गुहूं हूँ, अल्लाह पाक सबकी हर मुश्किल परेशानी को आसान फरमाए। आमीन सुमन, आमीन, जजाक अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते है सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से, जाके मैं मांगू। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से, जाके मैं मांगू। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहर इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, तो दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, बहुत जबरदस्त आपने पढ़ा। अब जिस जजाकल्ला। तर्ज पे आपने ये कलाम पढ़ा सदा, उस तर्ज पे एक और कलाम जो है वो है, वो जरूर यकीन, जब आपने वो तर्ज उठाई तो मुझे वो कलाम फौरन याद आ गया। और तो क्यों ना उस प्रोग्राम इस में प्रोग्राम में उस कलाम के भी चंद अशार जो है वो अगर हम शामिल कर लें तो बड़ा अच्छा होगा मेरे ख्याल में। और वो भी बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत पुराना कलाम पढ़ा हुआ वो, और मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के। ठीक, ये आपने सही फरमाया। ये कलाम भी जो है इसी तर्ज पे है, इसी बिल्कुल तर्ज पे है ये कलाम भी। जी लेकिन जो है कलाम जो है मैं जरूर पेश करूंगी, लेकिन जब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा होगा सेशन तो जरूर उसमें पेश करूंगी, इंशाल्लाह क्योंकि जो इंशाल्लाह है बिल्कुल ठीक सेकंड जो डायरी है वहाँ कलाम उसमें है, तो फिर ठीक मैं है, जरूर पेश करूंगी, आपकी फरमाइश जरूर इंशाल्लाह पूरी करूंगी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चले जनाब अगला कुछ कमेंट ले लेते हैं। कमेंट आ गए हमारे साथ जनाब फैंस ऑफ एसक्यू के, उन्होंने कहा जी सरफराज कादरी कमाली। अच्छा जी, ये मेरे नात का चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया। और शाजिया हुसैन हमारे साथ हैं, कह रही है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपका शो पर तशरीफ लाने का। सुनील जजाकल्ला। गौर भाई हमारे साथ हैं बॉलीवुड से, मुंबई से, और बड़े जबरदस्त हमारे दोस्त हैं, फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं, ऑथर हैं। कह रहे हैं कि जी सलाम टू एजाज साहब एंड सदब हुसैन फ्रॉम सुनील गौर बॉम्बे इंडिया। जना बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। चले जनाब अगला कलाम जो मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ सदर हुसैन साहब आपसे, वो है या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई। बहुत जबरदस्त कलाम, ये भी मेरे जी दिल के बड़ा करीब है कलाम माशाल्लाह। तो इसके चंद अशार अगर आप प्रोग्राम में शामिल करें तो बड़ी नवाजिश आपकी। इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम है ये। फिर वही गुजारिश के तमाम जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब मिल के पढ़िएगा। बेशक या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, ए हबीबी या मौलाई, तस्वीरे कमाले मोहब्बत, तनवीरे जमाले खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करे गबड़ाई, नबी जी तेरी कौन करे गबड़ाई, इस गर्दे सफर में गुम है, इस गर्दे सफर में गुम है, जिब्रीले अमी की रसाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीरे कमाले मोहब्बत, तनवीरे जमाले खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, ए मजहर शाने जमाली, ए मजहर शाने जमाली, ए ख्वाजा बंदाए आली, नबी जी ए ख्वाजा बंदाए आली, मुझे हश्र में काम आ जाए, मुझ हश्र में काम आ जाए, मेरा जौक़े सुखन आराई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीरे कमाले मोहब्बत, तनवीरे जमाले खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, माँ अजमल का तेरी सूरत,
माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ आह साला का तेरी सीरत, नबी जी माँ आह साला का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अजमत, माँ अकमल का तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्म, या हबीबी या मौलाई, तस्वीरे कमाले मोहब्बत, तनवीरे जमाले खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत खूबसूरत जज़ाकअल्लाह, कलाम आपने प्रोग्राम में शामिल किया, बड़ा मजा आया जनाब सुनकर, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। सरकार और सलातो सलाम कबूल फरमाए मेरा आमीन पढ़ना और आमीन जी, आप बिल्कुल सबका सुनना कबूल बिल्कुल फरमाए ऐसे हुज़ूर ही, सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि ऐसे ही। शाजिया हुसैन ने कहा जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, आपको पसंद वसल्लम। आया, जज़ाकअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनवार भाई हमारे साथ, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे लाइव पर बात करना, आपके साथ लाइव पर बात करना चाहता हूँ जी। सर बिल्कुल आप इनबॉक्स कीजिए मुझे, और बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे आपसे लाइव पर, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, तो ये बताइए आपके जो हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह से बहुत सारे नातवा हैं और मर्द और ख्वातीन पढ़ रही हैं, कलाम पढ़ रही हैं, जी आप इनमें किससे मुतासर होती हैं आप सबसे ज्यादा, ये किन को आप फॉलो करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम बच्चा पढ़ रहे नाज हैं ये, है शरीफ, ना? हाँ बिल्कुल होता है ना कि कोई अक्सर लोग कहते हैं कि फेवरेट नात या बहुत हाँ अच्छे पढ़ने वाले, हर नात ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी शान है, कलाम लिखे जाते हैं बिल्कुल पढ़े है, जाते हैं वो सभी बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और पढ़ने वाले भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, सब और अच्छे जो हैं, सीनियर्स हैं हमारे सभी अच्छे हैं, सीनियर्स भी और जो हैं आने वाले भी हैं सब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन लेकिन होता है कि लाजमी यकीनन के कुछ आवाज़ें या कुछ जो होते हैं लोग वो हम उनसे बहुत मुतासिर होते हैं। मुतासिर होते हैं। अलहाज एग्जैक्टली खुर्शीद अहमद साहब मरहूम, मरहूम, अल्लाह पाक उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, आमीन आमीन बहुत सुमा बहुत आमीन। खूबसूरत अंदाज, बहुत प्यारा मीठा पढ़ने वाले हैं, बहुत बहुत खुश इखलाक शख्सियत थी उनकी, और उसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, और जो है सभी उनसे जो है इजहार अकीदत रखते हैं, सभी ऐसे उनके ही कलाम भी जो मैंने भी पढ़ा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, तो बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं ऐसे, का एक पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम ये बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके बारे में अर्ज करूं कि यहाँ पर बहुत साल पहले, मेरे ख्याल कोई कोई 15 साल 20 साल पहले, यहाँ पर तीन नातवा जिसमें सैयद सबीउद्दीन रहमानी और अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम और कारी वही जफर कासमी, ये तीनों यहाँ तशरीफ लाए टोरंटो में, तो उनसे मेरी माशाल्लाह पहली दफा मुलाकात हुई यहाँ पर, और माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह, अच्छी उनसे हमारी दोस्ती हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बिल्कुल रोजाना हमारे जो है वो मुलाकात होती थी, और मस्जिद में जाना माशाल्लाह और माशाल्लाह घरों में भी महाफिल का इनाकाद किया माशाल्लाह। और अलहाज खुर्शीद अहमद साहब इतनी शफकत, सभी बिल्कुल नातवा सही शफकत फरमाया आपने, फरमाते थे, लेकिन बहुत शफकत फरमाते थे, किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं ताखिर से पहुंचा और जब मैं पहुंचा और कलाम पढ़ रहे हैं तो जरूर नाम लेकर के एक शेर जरूर डेडिकेट करते थे, और बड़ी माशाल्लाह शफकत माशाल्लाह, फरमाते थे, अल्लाह ताला इसीलिए उनको बात अपने है कि जवार रहमत में जगह दे, आमीन आमीन, बिल्कुल इखलाक अदब जो ऐसे बिल्कुल ये हमारे होते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ भी ये चीजें लेके जाती हैं, और बिल्कुल लोगों के बिल्कुल दिलों में हमारे लिए जो जगह बनती है वो इन्हीं तमाम चीजों की बदौलत बनती है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। और एक और उनका कलाम बड़ा जबरदस्त, मेरे छोटा वाला बेटा जो है वो बड़ा पसंद था उसको, और वो उसको खुसूसन सुनाते भी थे, शाहे मदीना शाहे वो, मदीना, हाँ तो वो बड़ा बल्कि तैबा के उनके वाली, तैबा के वाली, उनका नाम भी जो है वो उसने शाह मदीना रखा हुआ था, यानी वो अच्छा छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा, 2.5-3 साल का था उस वक्त वो, अच्छा तो अच्छा उसका नाम ही उसने जो है ना वो शाह मदीना, और कारी वही जफर का अल्लाहू रखा हुआ था कि वो अल्लाहू हैं, और अच्छा अच्छा हाँ, और सभी भाई का नाम रखा हुआ था अल्लाह अकबर,
तो वो सबके नाम जो है ना बढ़िया। उसने इस तरह रखे हुए थे उनके। अब हाँ तो खैर माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है, बड़ा हो गया माशाल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे फरमाए बुलंद कर। आमीन आमीन सुमा आमीन, जज़ाकअल्लाह जनाब। ये बहुत ज़बरदस्त कलाम आपने प्रोग्राम में शामिल किया। बात और अब एक और कलाम की मैं आपसे दरख्वास्त करने जा रहा हूँ सदफ़ हुसैन साहिबा, वो है मैं जी मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। जी बिल्कुल, यही आस है हर यही मुसलमान की, आस है हर मुसलमान की, यही आस है। बिल्कुल यही आस है। जितने लोग देख रहे होंगे यकीनन उनकी भी यही आस है कि खुदा ऐसा ही है। कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले हमें अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबे की चौखाट, वो रुकने यमानी वो मीज़ाबे रहमत, मैं सहने हरम में करूं जाके सजदे, मैं सहने हरम में करूं जाके सजदे, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो गुम्बद खजरा, वो रोजे की जाली वो जन्नत का गोशा, वो रोजे की जाली वो जन्नत का गोशा, कभी चूम लूं जाके खाके मदीना, कभी चूम लूं जाके खाके मदीना, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। और आखिरी शेर पेश करूंगी और अच्छा दुआ है, सब आमीन कहिएगा कि ये आंखें बंद होने से पहले अल्लाह पाक हम सबको अपने पाक दर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है, उसी को खबर है वो सब जानता है, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह खैर जजाक जनाब, अल्लाह बहुत जजाक शुक्रिया। अल्लाह आमीन, अल्लाह ताला हम सबको अपने दरबार की हाजिरी और आमीन अपने इलाही मोहम्मद मुस्तफा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए जल्द अज आमीन जल्द सुमा, इंशाअल्लाह, इसी साल हम सब की हाजिरी हो, जल्द अज आपकी जल्द मेरी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सब की हम सब आमीन। की। बिल्कुल शाजिया हुसैन ने फरमाया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी ये सलाम हो गया, एजाज साहब पुराना मनाए तो इस टोपी का चक्कर क्या है जनाब? टोपी का चक्कर कोई नहीं है, टोपी तो बजाते खुद एक चक्कर होती है, आपको मालूम है गोल है। लेकिन ये टोपी जो है हमारे पाकिस्तान में एक इलाका है चित्राल, जो नॉर्दर्न एरियाज में है, पहाड़ों में वो इलाका है, और चित्राल तो ये चित्राली टोपी कहलाती है। ये वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइब जो वहाँ पर कबीले रहते हैं, ये उनके जो लोग हैं वो पहनते हैं इसको, और जो वहाँ के सरदार होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं,
वो ये इसके अंदर ये पर, ये कबूतर के रियल पर हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, और ये बीच के अंदर जो पर लगा हुआ है ये एक मोर का पर इसके अंदर लगाते हैं, तो बड़ा खूबसूरत। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कभार इसको बड़ी एहतियात के साथ मैं इसको संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ये पर जो है बड़ा कीमती पर है, तो कोशिश ये होती है कि इसको मैं कभी कभार जो है वो प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में पहन लूँ। तो आज के दोनों प्रोग्राम में आपने देखा कि मैंने ये जेबतन किया हुआ था जो है चित्राली टोपी को, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो आपको जनाब इसका राज पता चल गया होगा सुनील भाई। बिल्कुल शाजिया सुनील कह रही हैं जी क्या बात है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनवर भाई ने कहा जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह क्या क्या बात है सर, सिस्टर बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। जजाक अल्लाह और आबाद जी रहें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, प्रोग्राम में हमने बहुत सारे कलाम शामिल किए, और चूंकि रमजान भी है और इन कुजायरे के रोजा भी रखा हुआ था, और जी बिल्कुल इसके बाद जाहिर के पढ़ना भी होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त हमारे शो के लिए निकाला सदर हुसैन साहबा। बहुत आखिर शुक्रिया, में आपने मुझे मदद किया, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में दुआया कलाम की मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐ सब्ज गुंबद वाले, इसके चंद अशार अगर आप शामिल करें प्रोग्राम में तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी बिल्कुल, जरूर पेश करूंगी। लेकिन 19वीं शब शबे जरबते मौला अली, तो बिल्कुल मौला अली का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि प्लीज दामादे रसूल हैं और आज उनकी शबे जरबत लगती है कि जब आपके बिल्कुल जरब लगाई उस मलून ने। तो आइए फिर मौला अली का जिक्र करते हैं। फिर मौला अली के सदक़े इस ट्रांसमिशन को अल्लाह पाक कबूल फरमाते हुए आमीन और हम सबकी हाजिरी सरकार कबूल फरमाए। आमीन सुमारी। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, ए मौला अली ए शेरे खुदा। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाई शहादत मस्जिद में, क्या शान तुम्हारी सल्ले अला। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। तुमने सुनी फरियाद सभी की, तुमने मदद की नबियों की, मेरी भी सुन लो बेहर खुदा। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। जान बड़ी मुश्किल में पड़ी है, आओ मदद को शेरे खुदा, कहते हैं तुम्हें सब मुश्किल कुशा। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जज़ाकअल्लाह शुक्रिया आपने मनकबत शामिल की प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह तो जनाब चलते चलते फिर दुआ दुआया कलाम शामिल कर लें इंशाल्लाह प्रोग्राम में, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दुआ फरमा देंगी फिर उस दुआया कलाम के बाद एक। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ऐ सब्ज गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजाए आका दीदार अता करना।
वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजा आए हमको दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में आमीन सुम आमीन। अमीन सुमा अमीन। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही कि अल्लाह पाक हमारा पढ़ना, आप सबका सुनना अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह आमीन पाक इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। आपको अल्लाह पाक और तौफीकात में मजीद अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, आप ऐसी महफिलें सजाते रहें, और जितने देखने वाले सुनने वाले हैं अल्लाह पाक से यही दुआ है इस वक्त जिसके दिल में जो मुराद जो दुआ है पंडितन के सदक़े अल्लाह पाक हर दुआ कबूल और मंजूर फरमाए, अल्लाह आमीन पाक हम सबको जल्द मक्के मदीने की वादा हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुमा सुमा आमीन 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 सुमा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब, दुआ का बहुत शुक्रिया। एक जज़ाकअल्लाह। दो कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में। सदफ अफजल मनियार हमारे साथ हैं, यूट्यूब से वॉच कर रही हैं और कह रही हैं माशाल्लाह एजाज भाई बेहतरीन प्रोग्राम है जज़ाकअल्लाह आपका रमजान मुबारक में, माशाल्लाह बहुत जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और सदफ अफजल मनियार कह रही हैं कि जी आपकी गेस्ट भी मेरी हम नाम है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि माशाल्लाह ये भी सदफ हैं और आप भी सदफ हैं, क्या बात है, बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल, हम नाम है आप मेरी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी ऐसा ही है। और आमीन भी कह रही हैं, बहुत शुक्रिया दोनों के लिए, आमीन कह रही हैं, जजाकअल्लाह खैर। तो बहुत जनाब बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा सदफ हुसैन साहबा, मुझे बहुत मजा आया, आप यकीन कीजिए, सारे शुक्रिया, कलाम आपने माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त इस प्रोग्राम में शामिल किए। करम बिल्कुल करम है बस अल्लाह पाक का। अल्लाह बिल्कुल पाक आपको भी मजीद जो है तौफीकात में इजाफा फरमाए, तरक्कियां कामयाबियां आपको अता हूँ, अल्लाह पाक आपको उम्र आमीन दराजी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत वाली। आमीन आमीन, जजाकअल्लाह खैर। आपके लिए भी यही दुआएं, तमाम दुआएं सदफ हुसैन साहबा। आखिर में ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, एजाज़ कुरैशी शो की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से, मेरी तमाम टीम मेंबर्स जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करते हैं उनकी तरफ से, मेरी जो को होस्ट हैं इस्लामाबाद से सदा मुबीन साहबा, कराची से फायजा कुरैशी साहबा और टोरंटो से ताहिरा अमान साहबा, उनकी तरफ से भी, और वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने हमें यूट्यूब पर लाइव वॉच किया और कमेंट किए, और वो लोग जिन्होंने फेसबुक पर लाइव वॉच किया कमेंट किए, और वो लोग जो अपने टाइम जोन के मुताबिक हमें सोशल मीडिया के चैनल्स पर वॉच करेंगे, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बिल्कुल महफिल आपने सजाई। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम लोगों का, क्योंकि जाहिर बात है एक टीम वर्क है आपकी जो कि दिखती भी है और कामयाबी भी है,
तो जो भी टीम वर्क में हिस्से में शामिल जो भी लोग हैं, अल्लाह पाक सबको खूब खुशियां बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जजाकुम अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। मैं आपको लॉबी में भेजता हूँ, वहाँ रुकिएगा आप। इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। आप भी, जजाकल्लाह। जी व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ सदफ हुसैन ऑल द वे फ्रॉम कराची, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम इन्होंने पेश किया, बड़ा मज़ा आया मुझे। और तमाम कलाम जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया, बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़े। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए, और इनके शौक में और जज्बे में अल्लाह ताला और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर में वही मैसेज मेरा होता है कोरोना के हवाले से कि कोरोना एक खतरनाक मौजी मर्ज है, आप एहतियात कीजिए, घरों में रहिए, गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और हुकूमती इकदाम और अहकाम की पाबंदी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।